कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कहाँ से? कहलगांव से कहाँ तक जाना है? बासुकीनाथ तक। आइए कांवर दिखाइए, कांवर दिखाइए, कितना बड़ा कांवर है, 61 फीट का, कितना वजन होगा इसका? 4.5 क्विंटल। इतना क्विंटल एक कांवर को कितना आदमी लेकर जा रहे हैं? 70 आदमी। 70 आदमी। कहाँ से सफर की शुरुआत हुई है? कहलगांव से। कहाँ तक जाना है? बासुकीनाथ धाम तक। एक ऐसा कांवर है, इतना बड़ा कांवर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसे कम से कम 50 लोग मिलकर एक कांवर को उठाए हुए हैं, और ये लोग बिल्कुल पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। सावन का ये एक ऐसा नजारा जो बिल्कुल धर्म के प्रति जो होती है जज्बा, वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बदल बदल कर लोग थक रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, इस तरीके का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल खूबसूरत नजारा। प्रशासन भी मुस्तैद है इन लोगों के लिए, बिल्कुल सुरक्षा में रोड खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें मैं सीधे सनहौला से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं कितना लंबा कांवर है, कितना बड़ा कांवर है, और इसे प्रशासन भी पूरी तरीके से सहयोग करती हुई, सनहौला की जो पुलिस है वो सहयोग कर रही है। इतना लंबा कांवर, लगभग 61 फीट लंबा, 5 से 6 क्विंटल, कितने लोग इसको मिलकर उठाए हुए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। जो थक जा रहे हैं लोग, बगल बगल बदल बदल कर एक दूसरे के कांधे पर देते हुए, देखिए इनको, देखिए बिल्कुल खूबसूरत नजारा। सावन के महीने में ऐसी चीजें आपको देखने मिलती है, सावन के महीने में आस्था का ये पर्व है, और अपने देखिए किस तरीके का कांवर दिखता है, बिल्कुल गजब का नजारा। तो बिल्कुल देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है कावरिया लेकर कांधे पर बम के रूप में जाता हुआ, और ये कहाँ से स्टार्ट किया सफर बाबू? कहलगांव से। कहाँ तक जाओगे? बासुकीनाथ तक। कहलगांव से बासुकीनाथ तक ये सफर, देखिए यही तो आस्था है कि ये छोटा सा बालक जो है कंधे पर बम लेकर बिल्कुल जो है एकदम निकल चला है अपने सफर पे। दर्द, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? मन एकदम पूरा मन पुष्ट है ना? चलिए ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल छोटा सा कांवरिया इसी बम का हिस्सा है, इसी ग्रुप का हिस्सा है, और ये अपने कांधे पर लेकर सीधे निकल पड़ा है बासुकीनाथ की तरफ, देख सकते हैं बिल्कुल बुलंद हौसले के साथ कहलगांव से बासुकीनाथ तक का ये